अम्मा ये लो दूध रसोई घर में रख दो। क्या ताली बजाऊं? बाहर जाके ताली बजा के आऊं? क्या बोल रही हो, ताली बजा के धरती पे लेट जाऊं? बैल गाय हाँ। अम्मा गाय ताली नहीं बजाती। गाय का गोबर नहीं 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 गुंडप्पे से मंगा लो ना। क्या अरे ये शार्टा कहाँ रह गई? हाँ तो गुंडप्पे को बोलो दर्पण ना देखे। अच्छा गुंडप्पा गुरुकुल जाने के लिए तैयार हो रहा है। नहीं नहीं अम्मा मुझे बहुत नींद आ रही है। जा रहा हूँ, मानना नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं गोबर गोबर लेके आ रहा हूँ, ला रहा हूँ गोबर। महाराज क्या आपकी मुंह बोली बहन भानुमती को ये लगता है कि हमारे अंदर संस्कार नहीं है? नहीं महाराज। अब वो यहाँ आकर हमें संस्कार सिखाएंगी? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। महारानी चिन्ना देवी इनकी बात का बुरा मत मानिए। बात यह कि बहुत प्रेम करती वो हमसे, बहुत चिंतित रहती हमको लेकर, पर सबसे खुशी की बात तो यह है कि भानुमति विजयनगर आ रही है। अद्भुत। ए लो तुम्हारा गोबर। तुम्हारा नहीं अमेश्वरी, गाय का गोबर। बापू आज प्रातः से आपने मुझे प्यार नहीं किया। अरे रे कहाँ चले आप? रुकिए अब भास्कर को संभालिए, हम आपके लिए अल्पाहार तैयार करके लाते हैं। ले 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 चुप हो जा मेरे राजकुमार, मेरे आंखों के तारे चुप हो जा। मेरा श्लोक सुन ले लामा, देख मुझे स्मरण हुआ है या नहीं। सुना। ओम अग्नि मिले पुलोहितम यज्ञस्थ देवम लत्विजम। ओ गुंडप्पा चाचू पुनः प्रारंभ हो गए। अरे अरे क्या हुआ, क्या हुआ भास्कर? मार रही है अभी आ रही है, चुप हो जाओ। अम्मा कह लिए तुझे चुप लेना भी नहीं आता है। ओ शमा कर ला अम्मा के लिए तुझे बालक को चुप कराना भी नहीं आता। और नहीं तो क्या, सुबह उठते उठते इतने सारे कार्य करवाने लगते हो मुझसे? दरबार जाने से पूर्व अल्पाहार चाहिए तो सबको मिलजुल कर कार्य करना पड़ेगा। बोल तो ऐसे रहे जैसे कहीं के बड़े राजा महाराजा लगे हैं। वही तो, काश के मैं राजा होता कहीं का। महाराज कोई देख लो कितना आनंद है जीवन में, कोई कार्य नहीं करना होता। प्रातः उठते ही सेवक सेविकाएं समस्त कार्य कर देते हैं, रसोईया समय पर भोजन दे देता है, तत्पश्चात दरबार में आते हैं, प्रजा का कष्ट सुनते हैं और उनका निवारण करने के लिए मैं मंत्रीवर गुरुवर और बाकी मंत्रीगण होते हैं। महाराज को तो केवल आदेश देना होता है। मुझे देखो, मेरे भाग्य में कार्य ही कार्य है, घर में कार्य, बाहर कार्य, दरबार में कार्य। तुम्हें ज्ञात भी है कितना व्यतीत हो चुका हूं मैं। स्वयं के तुच्छ कार्यों की तुलना महाराज के कार्यों से मत कर। तू नहीं जानता कि एक सम्राट के ऊपर कितने दायित्व होते हैं, तू तो एक को भी नहीं संभाल पाएगा। गोपाली यदि तुमने श्लोक नहीं सुनाए तो मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगा। गुंडप्पा श्लोक सुनाना आरंभ करो। ओम अग्नि मिले पुलोहित यज्ञस्थ देवम लत्विजम।
गुंडप्पा, एक पाठ से कुछ नहीं होता। तुम्हें 2 घंटे पश्चात अगले 3 पाठ के श्लोक को स्मरण करना होगा और सबको सुनाना होगा। और गुंडप्पा को ही क्यों, मैं इस कक्षा के सभी छात्रों को यह कार्य देता हूं, 2 प्रहर के पश्चात सभी को ये श्लोक सुनाने होंगे। जो नहीं सुना पाया उसे मैं दंड दूंगा। इतना कठिन कार्य, ये कार्य कैसे संपन्न होगा, वो भी 2 प्रहर में? गुरुवर, कृपया अवधि बढ़ा दीजिए समय की। हमने जो कहा वो करो। गुरुजी तो अब हम पर भी क्रोध करने लगे। कैसे स्मरण करेंगे 2 प्रहर में 3 पाठ के श्लोक, ये तो असंभव है। चोर कहीं के? हम दरिद्र अवश्य हैं स्वामी, परंतु चोर नहीं। हमारे दुकान से प्रतिदिन रुई की चोरी हो रही है और हमें ज्ञात ही नहीं हो पा रहा कि इन 4 सेवकों में असली चोर कौन है। सैनिको, इन 4 को पकड़कर दंड दो। दंड मिलते ही असली चोर स्वीकार कर लेगा कि वही चोर है। नहीं नहीं स्वामी, ऐसा मत कीजिए। हम कमाते हैं तो ही हमारे परिवार का पेट भरता है। ऐसा मत कीजिए स्वामी, ऐसा मत कीजिए। ए बंधु, क्या सोच रहा है रामा? बंधु, चोर तो इनमें से कोई एक ही होगा। एक के कारण बाकी 3 भी कारावास में जाएंगे, एक दोषी के कारण निर्दोष को भी सजा भुगतनी पड़ेगी। ये उचित नहीं है। धनी को ले जाओ इसे। ऐसा मत कीजिए। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम सेठ जी, आप चिंता ना करें, मैं अभी असली चोर को पकड़कर आपके समक्ष करता हूँ। पंडित रामाकृष्णा जी, अब आप ही सहारा हैं। अब आप ही इस दुविधा से हमें मुक्ति दिलवाइए। अवश्य अवश्य। सेठ जी, मुझे ज्ञात हो गया है कि चोर कौन है। आप इन 4 की पगड़ी का निरीक्षण कीजिए, जिसकी पगड़ी में रुई मिलेगी वही चोर है। ये लीजिए, यही है आपका असली चोर, इसी ने रुई चुराई है। मैंने तो पगड़ी का नाम यूं ही ले लिया था, किंतु चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत आज सिद्ध हो गई। मुझे क्षमा कर दीजिए सेठ जी, मैं लालच में आके अंधा हो गया था। सैनिको ले जाओ इसे। पंडित रामा कृष्णा जी ने तो दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है, इसीलिए महाराज ने इन्हें अष्ट दिग्गज बनाया है। पंडित रामा कृष्णा जी ने असली चोर पकड़कर निर्दोष को बचा लिया है। पंडित रामा कृष्णा की जय। पंडित रामा कृष्णा की जय। पंडित रामा कृष्णा की जय। सत्य में आज तो तूने कमाल कर दिया रामा। गुंडप्पा, सच सच बोलो, तुमने इतने कम समय में इतना कठिन श्लोक कैसे स्मरण किया? हाँ हाँ गुंडप्पा, बताओ बताओ। लतने से कभी कुछ मलन नहीं होता, और यदि तुम्हें कभी स्मलन हो भी गया तो अधिक समय तक स्मलन नहीं लेता, चाहे वो पाठ के कठिन श्लोक हो या निजी जीवन की साधारण सी बात। यदि शब्दों अल्पात का अर्थ समझ कर स्मलन करोगे तो सरलता से स्मलन हो जाएगा। लच्चू तोता बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मेरा स्थान ग्रहण करना चाहते हो गुरुकुल में, हाँ? गुरु बनना चाहते हो? बालकों को सिखाओगे कैसे अध्ययन करना है? नहीं, चलो एक टांग पे खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। यदि किसी ने भी गुंडप्पा से बात करने का प्रयास किया तो इस
बेत से उसका ऐसा हश्र करूंगा कि उसे स्मरण रहेगा। जाओ अपने स्थान पर बैठकर पाठ रटो, रटोगे तो स्मरण होगा। हमने भी इसी प्रकार प्रयास किया था। बैठ जाओ। मैं जितना तुम्हारे प्रति सहज होने का प्रयास करता हूं तुम उतना ही मुझे क्रोधित करते हो। गुंडप्पा आए दिन नए नए उपद्रव कहां से सूझते हैं। इस गुंडप्पा का कुछ करना पड़ेगा। अब ये मेरे पढ़ाने के ढंग को भी चुनौती देने लगा है। वाणी इसकी थी परंतु शब्द पंडित रामाकृष्णा के थे। गुरुवर ने सत्य कहा था, जब तक गुंडप्पा गुरुकुल में रहेगा पंडित रामाकृष्णा गुरुकुल के कार्यों में हस्तक्षेप करता रहेगा। मुझे अतिशीघ्र ही गुंडप्पा का कुछ उपाय करना पड़ेगा। आज हम हमारे सभी माननीय सभासदों को हमारे एक विचित्र स्वप्न के विषय में बताना चाहते हैं। विचित्र स्वप्न महाराज? अवश्य बताइए महाराज। आपका स्वप्न है तो अवश्य उसमें कुछ गुप्त अर्थ छुपा होगा। सत्य कह रहे हैं गुरु, हमें भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि कोई गुप्त अर्थ अवश्य होगा, परंतु हम वो अर्थ ढूंढने में असमर्थ हैं। हमारा विचित्र स्वप्न कुछ इस प्रकार था। हमने देखा कि हम एक नदी के किनारे विचरण कर रहे थे और अचानक हमारे समक्ष माँ प्रकट हुई। माँ, मैं आज तुमसे कुछ पूछने आई हूँ। पूछिए माँ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक पूर्ण राजा हो? हाँ माँ, हम पूर्ण रूपेण अपने राजधर्म का पालन करते हैं। माँ, कभी नदी की दूसरी छोर की ओर भी देखो, बहुत अंतर दिखाई देगा। माँ, ये था हमारा स्वप्न और तब से हम इस स्वप्न का अर्थ ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु गुरुवर आप तो स्वप्न विज्ञान में पारंगत हैं, दीवा स्वप्न भी देखते हैं, आपके स्वप्न में साक्षात शिवजी आते हैं। अब वो तो है महाराज, आपने पूर्णतया सत्य कहा महाराज। शिवजी हमें प्राय दर्शन देते रहते हैं। अद्भुत, तो आप ही हमारी सहायता कीजिए और आप ही हमें बताइए कि इस स्वप्न का तात्पर्य क्या निकलता है। नीलमणि, अपना बुड्ढा तो पूरा फंसा, महाराज के सामने बड़ा ही चतुर बन रहा था। बुड्ढे को इस स्वप्न का अर्थ तो स्वप्न में भी नहीं पता चल पाएगा, बताएंगे खा। इस स्वप्न का तात्पर्य है कि समझ गए महाराज। महाराज इस स्वप्न का अर्थ है, देवी माँ ने आपको नदी के दूसरे किनारे पर उनका मंदिर स्थापित करने का आदेश दिया है। जिस किनारे पर आपकी देवी माँ से भेंट हुई थी उसके दूसरे किनारे पर उनका आदेश है कि आप दूसरी ओर देखें। अन्यथा अंतर्ध्यान होकर देवी मां दूसरे किनारे पर प्रकट नहीं होती। अब दूसरे किनारे पर प्रकट होकर मां ने अपने मंदिर निर्माण की भूमि का चयन कर लिया है। पंडित रामकृष्णा, इस विषय में आपका क्या विचार है? क्या अर्थ हो सकता है इस स्वप्न का? महाराज मेरे विचार से मां परिवर्तन चाहती है। दूसरे किनारे से पहले किनारे को देखने का तात्पर्य है जैसे मैं यहां से आपको देख रहा हूं, अर्थात आप मैं बनकर स्वयं को देखिए। ऐसी मूर्खतापूर्ण बात है पंडित रामकृष्ण। महाराज क्षत्रिय से ब्राह्मण बन जाए? नहीं गुरुवर, ब्राह्मण नहीं, अपितु सामान्य मनुष्य की भांति स्वयं का आकलन करें। ए बंधु! चुप कर रामा, तू महाराज से ये क्या कह रहा है कि वो सिंहासन छोड़कर तेरी कुर्सी पर बैठ जाए, एक दरबारी बन जाए। बंधु,
मैं तो केवल स्वप्न का अर्थ बता रहा हूँ। कैसी विचित्र बातें कर रहे हैं पंडित रामाकृष्णा? कोई दूसरा बनकर स्वयं को कैसे देख सकता है? हम आम प्रजा बन जाएं? जी महाराज, यही तो आपके स्वप्न का अर्थ है। हो सकता है कि माँ आपको आम प्रजा के जीवन की कठिनाइयों को समझाना चाहती हो। कदाचित यही माँ का संकेत है कि हम प्रजा के बीच रहकर उनके सुख दुख को जान सके, परंतु कैसे? क्या बात है महामंत्री जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? महाराज एक विचित्र मुद्दा राज दरबार में आया है, यदि आपकी अनुमति हो तो हम उन्हें बुला लें। अनुमति है महाराज। सलाम महाराज, हमारा नाम अब्दुल्ला बांगड़ू है, हम किसान है। सलाम महाराज, हमारा नाम तौफीक सेठ है, हम व्यापारी है, हम सूखे मेवे का व्यापार करता है, जैसे कि चिलगोजा, बादाम, किशमिश, खजूर। इसी सिलसिले में व्यापार करने के लिए विजयनगर आया है। प्रणाम, बताइए आपकी समस्या क्या है? महाराज, ये हमारा बेगम है, लेकिन ये तौफीक सेठ इसे अपना बेगम बता रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं महाराज, ये अब्दुल्ला झूठ बोल रहा है, ये नसरीन हमारा बेगम है। पता नहीं ये कमबख्त इसको अपना बेगम क्यों कह रहा है। ये हमारा बेगम है, झूठ काहे को बोल रहा है? चुप कर, तू झूठ मत बोल। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, हमारा बेगम है, हमारा बेगम है। चुप। तुम दोनों इस तरह से झगड़ना बंद करो। महाराज, इस समस्या का हल तो बड़ा ही सरल है। महाराज, ये स्त्री स्वयं बताएगी ये किसकी पत्नी है। ये किसान अब्दुल्ला बांगड़ू की पत्नी है या व्यापारी तौफीक सेठ की पत्नी है? ए स्त्री, बोलिए किसकी पत्नी है आप? इस किसान की है या इस व्यापारी की? फिर क्या हुआ स्त्री जी, बोलिए। डरने की आवश्यकता नहीं है, हम आए ना। अर्थात महाराज है ना। अब दरबार में खड़ी है, डरी मत, बोलिए, सत्य बोलिए। बेगम 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 चूना नहीं, हमारी बेगम है ये। अल्लाह का खौफ क्यों आपका? अरे कोई कुछ करो ना, शीघ्र राजवैद्य को बुलाइए। राजवैद्य को बुलाया जाए। महाराज, ये स्त्री अत्यंत मानसिक तनाव के कारण मूर्छित हो गई है, इनसे इस वक्त कोई भी सवाल करना उचित नहीं होगा, इनकी जान भी जा सकती है। महाराज, अगर आप आज्ञा दे तो और निरीक्षण के लिए इस स्त्री को अपनी वैधशाला ले जाना चाहता हूं। आज्ञा, हमारा फैसला कीजिए महाराज। महाराज, हमने सुना है ये पंडित रामकृष्णा प्रजा के दुख दर्द को बहुत करीब से समझता है। महाराज, इनको बोलो ना कि हमारे समस्या का समाधान करे, हमको यकीन है कि सब ठीक होगा। सुना आपने पंडित रामकृष्णा? जी महाराज। आपको इस समस्या का समाधान निकालना है, और वो भी अभी इसी समय। जी महाराज। व्यापारी और किसान दोनों में से सत्य कौन बोल रहा है? वो स्त्री इन दोनों में से किसकी पत्नी हो सकती है? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।